कहते हैं कि मन की शांति इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज है। आपके पास करोड़ों की दौलत, सुख, समृद्धि, खुशियां हो या आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मन में शांति है तो आप सम्राटों से भी ज्यादा धनवान हैं। तो ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपको, यदि आपकी शांति नहीं है, आपके चारों ओर यदि अशांति का माहौल है, यदि आप मन से शांत नहीं हैं, तो उन सभी चीज को ढूंढने का आपको रास्ता बता देगी। तो ये कहानी है चीन के सम्राट की। उन्होंने एक बार बोधि धर्म से पूछा कि मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दे या मुझे कोई ऐसा गुप्त मंत्र बताएं जिससे मैं आंतरिक मौन को उपलब्ध हो जाऊं। तब बोधिधर्म ने सम्राट से कहा कि आप सुबह ब्राह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाएं। 4 बजे सुबह आना है, जब यहाँ कोई भी ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला हूँ, सिर्फ तभी आपको आना है। और याद रखें कि अपने अशांत चित्त के साथ आपको आना है, इसे घर पे ही न छोड़ के आना। अब सम्राट घबरा गया। उसने सोचा, ये आदमी पागल है, ये कहता है कि अपने अशांत चित्त को साथ ले आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूंगा, मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा लेकिन उसे ले आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया। उसने सोचा था कि आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र बताएगा, कोई तंत्र बताएगा, कोई जादू करेगा, कोई पत्थर ही बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वो तो बिल्कुल बेकार की बात है, कोई अपने चित्त को घर पे कैसे छोड़कर आ सकता है। सम्राट रात भर सो न सका। बोधि धर्म की आंखें और जिस ढंग से वो उसे देख रहा था वो सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। सारी रात सम्राट सो न सका और 4 बजे सुबह वो तैयार था। वो वस्तुतः नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे वो आदमी पागल महसूस हो रहा था। इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहां कोई ना हो, खतरनाक भी था, लेकिन ये आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वो उसके चुंबकीय आकर्षण के वशीभूत होकर गया क्योंकि वो उससे प्रभावित हो चुका था। और बोधिधर्म ने पहली चीज पूछी, वो अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठा था और कहा, अच्छा तो तुम आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, उसे साथ लाए हो ना, मैं उसे तो शांत करने के लिए तैयार बैठा हूं। सम्राट ने कहा, लेकिन ये कोई वस्तु तो दिख नहीं रही है जिससे आप उसे शांत कर दें, और मैं इसे अपने हाथ में नहीं लेकर आ सकता क्योंकि ये तो मेरे भीतर है। तो बोधिधर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि वो चित्त जो हमेशा अशांत है वो कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लोगे, आंखें खोलना और मुझे बताना, तो मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, वो भयभीत भी था क्योंकि बोधिधर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी क्षण भी मार सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा था, सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातर में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वो मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा उतना ही उसे बोध हुआ और अशांति धीरे धीरे विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। इसी तरह 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा हैं, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा वो अशांत मन कहाँ है। अब सम्राट ने आंखें खोली लेकिन वह इतना शांत था जितना कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है, इसने कुछ
कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ न करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वो कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफी था क्योंकि वो कहीं नहीं पाया गया।